हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन फोल्ड लर्निंग और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वीडियो फ्रॉम लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स क्लास एट आई फ्रॉम ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन जिसका चैप्टर थर्टीन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री आज हम सॉल्व करेंगे अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस मिस कर दी हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो जहां पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर सारे सोल्यूशन की वीडियोस प्रोवाइड की है तो बाकी के सोल्यूशंस आप वहां से जाकर देख सकते हैं तो आज हम सीखेंगे एलजिप्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग सो माइनस फाइव ए स्क्वायर बी स्क्वा बी ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जो ये नंबर वाले इन टर्म्स के अंदर कोफिशेंट है इनको हम एक साथ लिख लेंगे मतलब माइनस फाइव इंटू थ्री ठीक है अब हम यहां पर जो वेरिएबल्स हैं जैसे कि ये ए स्क्वायर है और ये ए है तो ए का स्क्वायर प्लस वन कर देंगे यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो हम प्लस वन करेंगे ऐसे ही इन टू बी का जो स्क्वायर था उसमें भी प्लस वन ठीक है तो इनके जो पावर है या एक्सपोनेंट है जो सेम लिटरल्स होंगे उनको हम ऐड कर देंगे ठीक है क्योंकि x की पावर m इन एक्स की पावर एन हम पढ़ चुके हैं एक्स की पावर एम प्लस एन तो इस पे बेस पूरी एक्सरसाइज है एक्सपोनेंट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस फिफ्टीन ए क्यूब बी क्यूब ठीक है ना इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है सेम हियर थ्री बाय टू पी क्यू स्क्वायर बाय माइनस टू बाय नाइन पी स्क्वायर क्यू आर तो नंबर वाले टर्म्स थ्री बाय टू इंटू माइनस टू बाय नाइन पी की पावर देखेंगे वन और टू तो वन प्लस टू इंटू क्यू की पावर देखेंगे स्क्वायर एंड वन स्क्वायर एंड वन आर की पावर वन ही है तो ये टू से ये टू कैंसिल थ्री थ्री जा नाइन सो इट इज गोइंग टू बी माइनस वन बाय थ्री पी की पावर हो जाएगी थ्री की पावर हो जाएगी थ्री इंटू आर सो माइनस वन बाई थ्री पी क्यूब क्यू क्यूब आर नेक्स्ट वी हैव सिक्स एक्स वाई बाय माइनस थ्री एक्स स्क्वे वाई क्यूब तो नंबर वाले टर्म्स सिक्स इंटू माइनस थ्री एक्स की पावर वन प्लस टू वाई की पावर वन प्लस थ्री ठीक है तो so, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस एटीन सिक्स थ्रीज आ एटीन और निगेटिव साइन एक्स का क्यूब और वाई की पावर फोर ठीक नेक्स्ट इज टू एक्स स्क्वायेयर वाई बाय माइनस फोर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर सो टू इन टू माइनस फोर एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री टू और थ्री वाई की पावर में हम देखेंगे वन प्लस टू तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस एट एक्स की पावर फाइव वाई की पावर फोर ठीक है आई थिंक आपको अब ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा नेक्स्ट इज माइनस ट्वेंटी फोर बाय ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर जेड इन टू माइनस फिफ्टीन बाय सिक्सटीन एक्स स्क्वायर जेड वाई क्यूब तो नंबर वाले टर्म्स हम एक साथ लिख लेंगे दैट इज ट्वेंटी फोर बाय ट्वेंटी फाइव इंटू माइनस फिफ्टीन बाय सिक्सटीन एक्स स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है तो टू प्लस टू इंटू वाई का क्यूब है इंटू जेड की पावर वन प्लस जेड की पावर वन तो ये यहाँ पर आ जाएगा फाइव फाइव सा फाइव थ्री सा फोर सिक्स सा ट्वेंटी फोर 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 ज़ा टू थ्री सा, 2, 3 सा टू टू झा माइनस माइनस विल बिकम प्लस थ्री थ्री झा नाइन फाइव टू ज टेन एक्स की पावर हो जाएगी फोर वाई क्यूब और जेड की पावर टू तो हमारे पास आंसर आ गया है नाइन बाई टेन एक्स टू दावर फोर वाई क्यूब जेड स्क्वायर नेक्स्ट इज टू बाय थ्री ए क्यूब बी सी स्क्वायर इंटू वन बाई थ्री ए स्क्वायर बी क्यूब सी इंटू नाइन ए बी सी क्यूब तो सारे हम कोफिशियंट साथ में लिख लेते हैं टू बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री इंटू नाइन ए की पावर थ्री फिर टू और फिर वन बी की पावर वन थ्री एंड वन वन प्लस थ्री प्लस वन सी की पावर टू वन एंड थ्री टू वन एंड थ्री तो यहाँ पर ये थ्री थ्री जा. थ्री बचा टू ए की पावर कितना आ जाएगा सिक्स बी की पावर फाइव और सी की पावर थ्री प्लस थ्री इज सिक्स सो दिस इज फाइनल आंसर नेक्स्ट वी हैव सेवन बाय नाइन ए बी स्क्वायर इंटू फिफ्टीन बाय सेवन ए बी स्क्वायर सी इंटू माइनस थ्री बाय फाइव ए बी सी स्क्वायर तो हम यहाँ पर सारे कोफिशियंट लिख लेते हैं सेवन बाय नाइन इंटू फिफ्टीन बाय सेवन इंटू माइनस थ्री बाय फाइव ए की पावर वन वन एंड वन वन प्लस वन प्लस वन बी की पावर देखेंगे टू एंड वन और सी की पावर देखेंगे वन प्लस टू इसमें सी नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा थ्री थ्री झा थ्री फाइव ऐन सेवन जा फाइव फाइव लेकिन माइनस साइन बचा है तो हम यहां माइनस लिख देंगे ठीक है वन लिखने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट वी हैव ए क्यूब बी की पावर फाइव सी क्यूब सो आंसर इज माइनस ए क्यूब बी टू दावर फाइव Next we नेक्स्ट वी हैव p square q plus eight by fifteen p q r square into minus one by four r into minus two by three p q square तो कोफिशंट हम साथ में लिख लेते हैं माइनस फाइव एट बाय फिफ्टीन माइनस वन बाय फोर माइनस टू बाय थ्री ठीक है पी की पावर लिख लेते हैं टू प्लस वन प्लस वन क्यू की पावर लिख लेते हैं वन प्लस वन प्लस टू आर की पावर लिख लेते हैं टू प्लस वन इसमें टू और इसमें वन अब हम देखेंगे कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं टू टू ज फोर फाइव थ्री ज फिफ्टीन ठीक है 2, अब यहां देखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस टू टू जा फोर एंड थ्री थ्री जा नाइन सो माइनस फोर बाय नाइन तो ये आ गया और पी की पावर हो जाएगी टू प्लस वन प्लस वन फोर क्यू की पावर फोर आर का क्यूब सो माइनस फोर बाय नाइन पी टू पावर फोर क्यू टू पावर फोर आर क्यूब नेक्स्ट वी हैव वन बाय एट ए बी सी इंटू माइनस थ्री बाय फोर ए स्क्वायर बी सी इंटू सिक्सटीन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो सारे कोफिशंट हम लिखेंगे वन बाय एट माइनस थ्री बाय फोर इंटू सिक्सटीन ए टू दावर वन प्लस टू प्लस टू Into b to the power 1 plus 1 plus 2 into c to the power 1 plus 1 plus 2. So 8 2s are 2 2s are. So this becomes minus 3 by 2 a to the power 5 b to the power 4 and c to the power again 4. So this is the final answer. Next we have टू बाय फाइव एक्स स्क्वायर वाई इंटू माइनस वन बाय टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू फिफ्टीन बाय थर्टीन एक्स वाई जेड तो पहले हम कोफिशेंट लिख लेते हैं टू बाय फाइव इंटू माइनस वन बाय टू इंटू फिफ्टीन बाय थर्टीन एक्स टू पावर टू प्लस वन प्लस वन इंटू वाई टू द पावर वन प्लस टू प्लस वन इंटू जेड टू दावर वन ही है बस अकेला ठीक है, सो so, टू से ये टू कैंसिल फाइव थ्री सा सो माइनस थ्री x थर्टीन एक्स टू दावर फोर वाई टू दावर फोर जेड क्योंकि पावर वन है तो वो हम लिखते नहीं है नेक्स्ट वी हैव एट एक्स वाई जेड इंटू वन बाई थर्टीन एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू थर्ट माइनस थर्टीन बाई एट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सो वी राइट एट इंटू वन बाय थर्टीन इंटू माइनस थर्टीन बाय एट एक्स की पावर वन प्लस टू प्लस टू इंटू वाई की पावर वन प्लस वन प्लस टू इंटू जेड की पावर वन प्लस वन प्लस टू तो यहां पर एट से एट थर्टीन से थर्टीन कैंसिल सो माइनस साइन बचेगा माइनस वन है लेकिन हम वन नहीं लिखेंगे एक्स की पावर हो जाएगी फाइव वाई की पावर फोर और z की पावर भी फोर सो दिस इज दी फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट एल दैट इज माइनस फाइव बाई इलेवन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वन फाइव एक्स वाई जेड इंटू ट्वेंटी टू एक्स क्यूब जेड टू पावर सेवन इंटू माइनस वाई स्क्वायर जेड तो पहले हम सारे कोफिशन लिख लेते हैं माइनस फाइव बाय इलेवन इंटू माइनस वन बाय फाइव इंटू ट्वेंटी टू इंटू माइनस वन यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए इसको हम माइनस वन काउंट करेंगे एक्स टू पावर टू प्लस वन प्लस थ्री इंटू वाई टू द पावर थ्री प्लस वन प्लस टू जेड टू पावर वन प्लस सेवन प्लस वन तो यहाँ पर ये फाइव से cancel, ये फाइव कैंसिल ये टू सो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस टू एक्स टू पावर फाइव सिक्स वाई टू पावर फोर फाइव सिक्स एंड जेड टू पावर सेवन एट नाइन सो माइनस टू एक्स टू पावर सिक्स वाई टू द पावर सिक्स जेड टू पावर नाइन नेक्स्ट पार्ट वी हैव ए बी सी इंटू वन बाय फोर ए बी स्क्वायर सी क्यूब इंटू थ्री बाई एट ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर सो वन बाय फोर इंटू थ्री बाई एट ए टू द पावर वन प्लस वन प्लस टू इंटू बी टू दावर वन प्लस टू प्लस वन इंटू सी टू द पावर वन प्लस थ्री प्लस टू तो ये हो जाएगा हमारे पास थ्री बाय एट फोरजा थर्टी टू ए टू द पावर फोर बी टू द पावर फोर एंड सी टू दावर सिक्स सो दिस इज दाइनल टू बाई थ्री पी क्यू स्क्वे एंड फाइंड द वैल्यू फॉर पी इज इक्वल टू वन क्यू इज इक्वल टू माइनस वन एंड आर इज इक्वल टू टू तो पहले तो हम ये वैल्यू लिख लेते हैं माइनस फाइव पी स्क्र क्यू इंटू एट बाय फिफ्टीन पी क्यू आर स्क्वायर इंटू माइनस वन बाय फोर आर इंटू माइनस टू बाय थ्री पी क्यू स्क्वायर तो हमने यहाँ पर सारे कोफिशेंट माइनस फाइव एट बाय फिफ्टीन माइनस वन बाय फोर माइनस टू बाय थ्री ये सारे के सारे लिख लिए हैं पी टू पावर टू प्लस वन प्लस वन इन क्यू टू पावर वन प्लस वन प्लस टू एंड आर टू पावर टू प्लस वन टू और प्लस वन ठीक है तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा टू टाइम्स फाइव थ्री जा नाउ माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस टू टू ज़ा फोर थ्री थ्री ज़ा नाइन सो माइनस फोर बाय नाइन ये आ गया और p की पावर हो जाएगी यहाँ पर फोर q की पावर फोर एंड r का क्यू ठीक है अब हम p इज इक्वल टू वन क्यू इज इक्वल टू माइनस वन एंड आर इज इक्वल टू टू पुट करेंगे ठीक है तो अब हमारे पास आ जाएगा माइनस फोर बाय नाइन वन की पावर फोर माइनस वन की पावर फोर और आर का जो कि टू है उसकी पावर थ्री इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे p की जगह वन q की जगह माइनस वन और r की जगह टू ठीक है तो ये आ जाएगा माइनस फोर बाय नाइन वन को हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें तो वन ही आएगा और माइनस वन को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन ये माइनस माइनस वन ये माइनस माइनस वन और वन वन जा वन और यहां पर आ जाएगा टू इंटू टू इंटू टू इन ऑल वील गेट माइनस टू टू ज फोर फोर टू जा एट एंड एट फोर जा थर्टी टू बाय नाइन सो माइनस थर्टी टू बाय नाइन इजी आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल साइड्स आर टू बाई थ्री एक्स वाई स्क्वायर एंड थ्री बाई एट एक्स क्यूब वाई जेड रिस्पेक्टिवली तो आपको लेंथ पता है दैट इज टू बाई थ्री एक्स वाई स्क्वायर और ब्र्थ पता है दैट इज थ्री बाई एट एक्स क्यूब वाई जेड तो एरिया हम क्या लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज टू बाई थ्री एक्स वाई स्क्वायर इंटू थ्री बाई एट एक्स क्यूब वाई जेड तो यहाँ पर टू बाई थ्री इंटू थ्री बाई एट एक्स की पावर वन प्लस थ्री वाई की पावर टू प्लस वन और जेड को हम एज इट इज थ्री से थ्री कैंसिल टू फोर जा सो इट इज वन बाई फोर एक्स की पावर फोर वाई क्यूब जेड दिस इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्वेस्न नंबर फोर फाइन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इट्स डायमेंशन एज थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायेयर वाई फोर्टीन बाई फाइव वाई स्क्वायर एंड टू बाई सेवन एक्स वाई क्यूब तो हमको यहाँ पर लेंथ गिवन है जिसको हम एल लिख सकते हैं थ्री बाय फोर एक्स स्क्वायेयर वाई ब्रेथ गिवन है b दैट इज फोर्टीन बाय फाइव वाई स्क्वायर और हाइट गिवन है दैट इज एच टू बाय सेवन एक्स वाई क्यूब ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टैंगल क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच सो थ्री बाय फोर एक्स स्क्वायर वाई इंटू फोर्टीन बाय फाइव y square into 2 by 7 एक्स वाई तो सारे कोफ़िशंट हम एक साथ लिख लेते हैं 3 by 4 into 14 by 5 into 2 by 7 x to the power 2 plus 1 y to the power 1 plus 2 plus 3 ठीक अब हम यहां देख लेंगे 7 टू 14 2 टू टू जन् 2 टू बाकी बचा थ्री बाय फाइव एक्स का क्यूब एंड वाई टू दावर सिक्स हो जाएगा सो दिस इज दाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स हुज डायमेंशन आर एक्स वाई टू एक्स स्क्वायर वाई एंड टू एक्स वाई स्क्वायर रिस्पेक्टिवली तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करेंगे लेंथ अगर हम एक्स वाई ले लेते हैं ब्रेड ले, ले लेते हैं टू एक्स स्क्वायर वाई और हाइट ले लेते हैं टू एक्स वाई स्क्वायर सो तो यहां पर आपको एरिया की जगह सरफेस एरिया लिखना चाहिए था इनको क्वेश्चन में मिस प्रिंट है मे बी तो सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है टू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल सो दिस इज़ य फॉर्मूला तो हम यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे टू एक्स वाई इंटू टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई ठीक है तो यहाँ पर टू तो ऑलरेडी बाहर है इसमें से ये टू ये टू और ये टू भी बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x का क्यूब y का स्क्वायर प्लस एक टू बचेगा x का क्यूब y का क्यूब प्लस यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ठीक है सो तो टू टूज ऑफ फोर यहाँ से देखेंगे कि एक्स स्क्वायर इन सब से कॉमन निकल सकता है तो हम पहले एक्स स्क्वायेर कॉमन निकाल देते हैं और वाई स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं तो अंदर यहाँ बचेगा एक्स क्योंकि वाई पूरा बाहर है प्लस टू यहां से हमने एक्स और एक वाई क्योंकि क्यूब है तो यहाँ दो दो हमने बाहर ले लिए एक एक अंदर बचेगा प्लस वाई सो दिस इज द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर फोर एक्स एंड थ्री एक्स स्क्वायर तो हमें लेंथ पता है फोर एक्स ब्रेथ पता है थ्री एक्स स्क्वायर। सो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी दैट इज़ फोर एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर। फोर इंटू थ्री एक्स की पावर वन प्लस टू सो इट विल गिव ट्वेल्व एक्स क्यूब एज दी आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन मल्टीप्लाई टू एक्स वाई इंटू थ्री एक्स स्क्वायेर वाई इंटू माइनस फोर बाई सिक्स एक्स वाई क्यूब एंड फाइंड द वैल्यू वेयर एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू टू तो मैं यहीं पर इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ तो टू इंटू थ्री इंटू माइनस फोर बाय सिक्स एक्स टू दावर वन प्लस टू प्लस वन वाई टू द पावर वन प्लस वन प्लस थ्री

और टू टू पावर फाइव मतलब टू को हमने फाइव बार मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा थर्टी टू सो वील गेट हियर माइनस फोर टू ज एट एंड फोर थ्री ज ट्वेल्व सो माइनस वन ट्वेंटी एट इज द फाइनल आंसर सो हेंज दिस कम्पीट योर एक्सरसाइज एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे अगर आप कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं At last please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel thank you for watching